दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय O2IAS अकेडमी चंडीगढ़। अब घर बैठे ही करें IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी। O2IAS अकेडमी की आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं। पांवटा साहिब के माजरा में पुलिस ने एक नशा तस्कर से नशे की दवाइयों की खेप बरामद की है। पुलिस जानकारी के मुताबिक माजरा पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जंबिल शाह नाम का एक व्यक्ति क्षेत्र में नशीली दवाई बेचने का काम करता है। सूचना मिलने के बाद माजरा पुलिस थाने के थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ IPH नहर मार्ग पर पहुंचे और वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर आते हुए जंबिल शाह को रोका। रोकने के बाद जब पुलिस टीम ने उसकी तलाशी ली तो एक कैरी बैग में 590 ट्रामाडोल कैप्सूल्स और 75 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पांवटा के DSP वीर बहादुर भी मौके पर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। DSP पांवटा वीर बहादुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। पिछली शाम को पुलिस स्टेशन माजरा के अंतर्गत NDPS एक्ट में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह SHO पुलिस स्टेशन माजरा और उनकी टीम ने एक व्यक्ति को IPH नहर के पास नशीले कैप्सूलों के साथ बरामद अरेस्ट किया है और उससे 590 नशीले कैप्सूल और 75 अल्प्राजोलम की गोलियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। उसके पास कोई ऐसा विकेत नहीं था, ये व्यक्ति पहले से इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहा है, तो पुलिस की नज़र थी इसके ऊपर और उसको NDPS एक्ट में केस दर्ज करके अरेस्ट किया गया है। दिव्य हिमाचल TV के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरे पांवटा साहिब के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पुलिस का यही संदेश है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहे, चोरी की घटनाओं पे अंकुश लगे और जितने भी हमारे नागरिक हैं वो सुरक्षित माहौल में रहें, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम नागरिकों से यही अपील करते हैं कि 75वीं वर्षगांठ पर सभी ये प्रण लें कि नशे और दुर्व्यसनों से दूर रहें, किसी प्रकार की हिंसा में संलिप्त ना हों और जो भी देश विरोधी कोई भी कार्य है तो उसमें संलिप्त ना हों और ऐसे लोगों को जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको किसी प्रकार का सहयोग ना करें और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, प्रशासन पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद।